दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नई चीज जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपके पास मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस है, अगर आपके पास मंत्रा मशीन है तो फिर भी आप कर सकते हैं ई लाभार्थी का पेंशन का ई केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो अपडेट आया था मार्फोर्ड जिसके पास डिवाइस वही कर पा रहा था, लेकिन आज के इस वीडियो में बताएंगे कि किस मेथड से, किस तरह से आप मंत्रा डिवाइस को यूज करके किसी का भी ई केवाईसी कर सकते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यहाँ मैंने आपकी बहुत सारी काम की वीडियो पहले से अपलोड कर दी। यहाँ मैंने आपको बताया कैसे आप चेक कर पाएंगे आपने जो केवाईसी किया था वो हुआ या सक्सेस हुआ और फेल हुआ। यहाँ मैंने आपको बताया था आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसके बारे में भी जानकारी दिया था। इसी तरह की मैं नॉलेजफुल जानकारी आपके लिए रोज लाते रहता हूँ अपने इस चैनल, पिछले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको ई लाभार्थी की इस वेबसाइट पर आ जाना जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या आप ई लाभार्थी फ्लैश डिजिटल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिंक को फॉलो करके यहाँ पे आना और उसके बाद लॉगिन विद डिजिटल सेवा पोर्टल, अगर आपके पास सीएससी है तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे अपना सीएससी का आईडी, सीएससी का पासवर्ड देंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं, आधार नंबर से सर्च कर सकते हैं, बेनिफिशियरी आईडी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं आधार नंबर से सर्च करूंगा, यहाँ को आधार को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जिसका भी केवाईसी करना है उसका आधार नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना हो। चलिए आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आधार नंबर मैंने इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो भी नाम पेंशन पड़ेगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, और जिस अकाउंट में आपका पेमेंट आता है उस अकाउंट में कौन सा नाम आपको वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है नेम एज पर आधार, यहाँ पे कह रहा है जो नाम आपके आधार कार्ड में वो नाम आप यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस साल का है वो साल आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। ये सारी जानकारी आपको कस्टमर का ही देना जिसका ई केवाईसी करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्ड पूछ रहा है आपका घर जो कि कौन सा वार्ड में वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद एस्कॉर्ट डाउन करके नीचे आ जाना होगा। उससे बाद यहाँ पे कह रहा है एथेंटिकेट आप किससे करना चाहते हैं, पेंशन नेम से या बैंक नेम से या आधार नेम से। तो यहाँ पे मैं आधार नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो मेरा आधार कार्ड पे नाम हो वही मेरे पेंशन पे हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ऑन आधार नेम को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टम के साथ मेरा मंत्रा डिवाइस ऑटोमेटिक, मैंने मंत्रा डिवाइस को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पे मंत्रा का भी दे रहा है क्योंकि अब मंत्रा भी इसमें काम करने लगा 100%, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं मशीन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मंत्रा मेरा मशीन जो कि हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मशीन पे लाइट जलेगी, आपको फिंगर लगा हुआ लेना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे मैंने फिंगर लगवा लिया, यहाँ पे लिखा रहा है कैप्चर डाउन कैप्चर सक्सेसफुल भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एथेंटिकेट नो पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे आपका आधार नंबर सीएससी आईडी और यहाँ पे आपको पेमेंट जो है ₹5 यहाँ पे लेने के लिए कस्टमर से बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पे फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है ₹5 आपको कस्टमर से ले रहे हैं और आपको यहाँ पे कटेंगे ₹1.78, यानी कि इतना रुपये आपको कटेगा और इतना रुपये ₹5 आपको कस्टमर से लेना है यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सीएससी का पासवर्ड वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे पिन मांग रहा है, वॉलेट पिन यहाँ पे देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, हमारे वॉलेट से रुपए कट गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा, ये इसका केवाईसी हो चुका है। याद रखिए इसमें आपको कस्टमर को किसी भी तरह का कोई प्रिंट निकाल के नहीं देना है। अगर कोई कहता है प्रिंट निकाल के दो तो उसको आप ये प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रिंट निकाल कर नहीं देना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह आप मंत्रा से कर पाएंगे अपना ई केवाईसी। अगर आपके पास मंत्रा का सेटअप नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा मंत्रा का सेटअप, आपको यहाँ से सेटअप आपको यहाँ पे डाउनलोड कर देना है, ड्राइवर
यहाँ से आप जाके अपना मंत्रा का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा।